से आप सब लोग, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको याद होगा, मैंने एक दो दिन पहले फ़ोन की तारीफ की थी, तो मेरा फ़ोन आपने भी देखा ही होगा थोड़ी देर पहले कैसा वो कुछ तो हो गया। तो मेरे फ़ोन का फ्रंट कैमरा है जो वो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। तो मैंने फ़ोन रखा था यहाँ पे और फ़ोन ऐसे जो गिरा ना, वो डायरेक्ट ऐसे धड़ 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 उसके टी हुए। तो आगे की स्क्रीन का मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगी, फ़ोटो भी नहीं दिखा सकती वैसे क्योंकि वो स्क्रीन के ऊपर की तरफ का फूट गया है। तो पूरा कैमरा एकदम डैमेज हो गया है, तो मैं उसको लेके जाऊंगी दुकान वाले के पास। और मैंने दो दिन पहले ही इसकी तारीफ़ की थी कि 2 साल में मेरे फ़ोन ने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, एकदम अच्छे से चला है, ये वो। राज मुझे वही बोलते हैं कि तूने तारीफ़ की ना, इसलिए उसने फिर अपना काम कर दिया। तो अभी उसको दुकान वाले के पास लेके जाना पड़ेगा और रिपेयरिंग करना पड़ेगा। सो अभी हम लोग जा रहे रिलायंस, कुछ सामान खरीदना था इसलिए। तो जाते जाते अभी इसका भी क्या होता है देखते जाते हैं। तो चलिए मैं आपको मिल दूँ बाद में। और अब तब तक तो मुझे बैक कैमरा से शूट करना पड़ेगा, फ्रंट तो नहीं हो पाएगा, फ्रंट का इतना ब्लर हो रहा है कि क्या बताऊँ। तो चलिए मैं आपको मिलूँ थोड़ी देर के बाद। सो यहाँ पे हम रिलायंस जाकर आए हैं और रिलायंस से कुछ शॉपिंग भी हुई है। तो यहाँ पे मैंने वेट वाइप्स लिए है, फिर वेफर्स लिए, देन वो जो पानी शिवपुरी वाली पापड़ी होती है ना वो लिए है, और ये नए बिस्किट आए कुछ सनफेस्ट के शायद, तो वो वाले लिए है। और फिर यहाँ पे है पाव भाजी मसाला, तो कुछ प्लान है पाव भाजी बनाने का, कब होता है पता नहीं। यहाँ पे चकली थी तो फिर मैंने चकली भी ले ली, ये वो जो होती ना मिक्स वाली एकदम ऑथेंटिक दिवाली वाली वो वाली। फिर शेजवान सॉस, और ये है तेल की बोतल, फिर ये है परी के लिए कंपास बॉक्स, तो थी अच्छी लगी मुझे। फिर ये है पीनट, वो जो फ्राई किए होते हैं ना, वो फ्राई नहीं रोस्ट किए हों शायद। और फिर चिक्की, ये चिक्कियाँ जो है ना, ये अभी आजकल बहुत अच्छी आई है, रिलायंस में भी डी मार्ट में भी है, बड़ा अच्छा लगता है वो आती जाती खाने में, और बच्चों को देने के लिए बहुत अच्छा है, टिफ़िन में दे दो कुछ मीठा चीज़ दो मस्त है। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे लिए है कप का सेट, तो वैसे हमारे पास कप बहुत सारे है, कुछ छोटे है, कुछ बड़े है, कुछ यूज़ हो रहे हैं, लेकिन फिर मुझे ये वाला सेट अच्छा लगा तो फिर मैंने एक ले लिया कोई मेहमान वगैरह आते तो। और फिर दूध भी लिया है, और क्या है, हाँ परी के लिए कुछ कपड़े लिए हैं, मैंने आपको दिखाती बाद में। और फिर पॉपकॉर्न बहुत अच्छी हेल्दी चीज़ है, आप कभी भी जाओ लेकर आना चाहिए, घर में बच्चों को बना के दो, बच्चे भी मस्त खाते हैं। और यहाँ पे नेल पेंट के ऊपर ऑफर चल रही है, ग्लीम के है, ग्लिम्स नहीं ग्लिमर, हाँ ग्लिमर या ग्लैमर के है, तो ये 50 में 4 थे, अगर आप 500 के ऊपर की खरीदी करते हो ना तो इसके ऊपर ऑफर चल रही थी, तो मैं लास्ट टाइम भी 4 लेकर आई थी, इस बार भी 4 लेकर आई हूँ। फिर ये है पीनट बटर, सन ड्रॉप का है ये, और हाँ बस इतना ही लिया है कुछ, और परी के लिए मैंने कहा ना कि टी शर्ट लिया, और हाँ ये चॉकलेट लिए है, सो इसका एक डब्बा लिया है। और फिर इसके लिए परी के लिए टी शर्ट, तो ये जो कलर नहीं थे ना वो वाले लिए, तो परी के पास ये वाले कलर नहीं थे, पिंक और ग्रीन येलो ये तो हो गए थे, तो एक ब्लू लिया है और एक स्काई ब्लू कलर में लिया है। और फिर एक टॉप भी लिया है, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, और टॉप ना परी को बड़ी साइज़ की लेनी पड़ती है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी। तो टॉप मस्त है, उसकी डिज़ाइन भी बहुत अच्छी है, और आजकल उसको होता है कि मुझे टॉप चाहिए मांगती है, तो इसलिए मैंने गई तो लेकर आई। और यहाँ पे ना मैं आपको दिखा रही, प्राइस नहीं दिखा रही हूँ, मैं आपको साइज़ दिखा रही हूँ, 5 से 6 साल के बच्चे का लिया है, क्योंकि परी को ना थोड़ी बड़ी साइज़ ही आती है, मैं हर बार परी को कपड़े थोड़े एक साइज़ बड़ी वाली लेती हूँ और परी को बड़ी आती है। और हाँ ये एक ये भी लिया है कटोरा, वो दिखाना भूल गई थी, तो ये मस्त कांच का है, बहुत अच्छा है, तो मस्त है। और अभी मैं परी को कपड़े ट्राई करके देखने वाली हूँ, वैसे तो मैंने ऐसे साइज़ देख कर ली है, लेकिन कभी कभी छोटे बड़े हो जाते हैं ना, तो यहाँ पे मैंने ये जो स्काई ब्लू कलर का है ना, स्काई ब्लू नहीं बोल सकते वैसे, ये मरून अलग ही कलर, मुझे पता नहीं कौन सा कलर है, फिर मस्त आया परी को। और मुझे डेली वेयर के लिए लेने थे, क्योंकि उसके पास पैंट तो थे लेकिन टी शर्ट नहीं थे डेली यूज़ के लिए, अभी ख़राब हो गए जो भी पुराने थे वो, तो इसलिए नए लेने थे। और ये ब्लू वाले एक मैंने ऐसी पैंट लेके रखी जो ऑरेंज कलर में इसके ऊपर जा रही थी, तो उस हिसाब से मैंने भी अब देखेंगे, तो मैं देखती हूँ कि सेट हो जाए, ऐसे वाले कपड़े लेती हूँ, तो ये वाला भी बहुत अच्छा था, वैसे दोनों टी शर्ट बहुत अच्छे थे। और ये टॉप जो मैंने बोला कि थोड़ा बड़ी साइज़ का है, तो ये थोड़ा सा लूज़ हुआ, क्योंकि मैं देख रही थी 4 से 5 साल का, तो वो मिला नहीं, इसलिए मुझे 5 से 6 लेना पड़ा, तो ये भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन बड़ा कोई नहीं मतलब लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा लूज ऐसे मुझे लगा, पर नहीं अच्छा लग रहा है ये देखिए। इसके ऊपर अगर जो मैचिंग की पैंट जैसे भी अगर पहनाया ना तो एकदम अच्छा है, तो मैं इसलिए परी को बड़ी साइज ही लेती हूँ, और अच्छा आ गया है परी को। हे गाइस, सो कैमरा अभी तक मोबाइल रिपेयर नहीं हुआ, लेकिन कैमरा के ऊपर कांच थी ना वो हटाने के बाद फिलहाल मेरा
फेस तो दिख रहा है लेकिन पहले जैसे कैमरा नहीं लग रहा है ना, मेरे को खुद का सच्चे नहीं लग रहा है। तो उसका डिस्प्ले फूट गया अभी तो, और कैमरा फूटा है कि नहीं वो ओपन होने के बाद पता चलेगा, लेकिन वो बोल रहा है दुकान वाला कि रखना पड़ेगा एक दिन, और मेरी रखने की हिम्मत नहीं हो रही है क्योंकि मेरे को लगता है कुछ डाटा वाटा गया मेरा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, बहुत सारी वीडियोज़ वगैरह रहते हैं, सो इसलिए मुझे रखना नहीं है। तो मैं बोल रही थी कि आप तुरंत करके दो, भले मुझे 2 घंटा यहाँ पे खड़ा रहना पड़ा तो भी चलेगा। तो उसका था कि नहीं आपको रखना तो पड़ेगा ही, तो मैंने बोला कि कांच हटाने के बाद कैमरा तो फिलहाल चल रहा है, तो फिर मेरा ऐसा लग रहा है कि चेंज करूँ कि नहीं। उसके ऊपर जो मैंने स्क्रैच कार्ड लगाया है अगर वो निकाला तो फिर कैमरा की जितनी कांच फूटी ना वो सारी गिर जाएगी, जब तक स्क्रैच कार्ड है तब तक वो कांच दबी हुई है, ऐसा फिलहाल सीन है। तो ये हो रहा है ना कि अभी क्या करूँ क्या नहीं समझ नहीं आ रहा। राज का कहना है कि टूटा हुआ फोन लेके तुम यहाँ घूमोगे क्या, उससे अच्छा कर लो। तो राज का कहना है कि कर लेना चाहिए, और मेरा है कि वहाँ पर रखना नहीं है। तो अभी आज तो फिलहाल नहीं कर रही हूँ मैं, आज तो ऐसे थोड़ा सा डर दिख रहा है ना शायद। तो मैं सोच रही कोई ऐसा दुकान मिल जाए मुझे जो तुरंत करके दे, क्योंकि मुझे ना मोबाइल फ़ोन ये कभी मैंने एक तो खोलती नहीं हूँ, मेरा पहला भी फ़ोन था ना रिपेयर करने की कभी नौबत नहीं आई, जब उसको ख़राब हो रहा है ऐसा मुझे लगा, उसको 3-4 साल हो गए थे तो मैंने डायरेक्ट उसको बेच डाला, मतलब ये रखा ही नहीं कि उसको रिपेयरिंग के लिए दो और फिर रखो ये सब झंझट की। इसका भी मैंने यही था, मैंने जो तारीफ की ना इसको नज़र लग गई और ये फूट गया आज। तो अभी फिलहाल तो ऐसा चल रहा है, फूटा हुआ है स्क्रीन, लेकिन राज का कहना है कि स्क्रीन फूटी हुई लेके ऐसे जाओ मत, कहीं पे भी जाती हो तो अच्छा नहीं लगता है। और मेरा है कि मुझे रखना नहीं है, तो अब मैं देखती हूँ कोई ऐसा दुकान जो मुझे तुरंत करके दे, कल परसों वगैरह ढूंढती हूँ, अगर मिल जाए तो फिर कर लूँगी। अभी फ़िलहाल जब तक इससे ब्लॉग होगा तो ऐसे शायद होगा। और मुझे एक और डाउट है कि इसका जो स्क्रीन का है वो सब करने के बाद भी, डिस्प्ले चेंज करने के बाद भी इसका कैमरा नॉर्मल वैसा होगा कि ऐसा ही रहेगा, समझ नहीं आ रहा है। तो इसीलिए फिर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, चेंज करूँ कि नहीं करूँ। पता चला डिस्प्ले वगैरह चेंज करने के बाद भी अगर ऐसा ही रहा तो क्यों करूँ ना, फिर क्यों इतना खर्चा करूँ, और 6-7 महीने यूज़ करके फिर बाद में चेंज ही कर दूँगी, ये भी मन में लग रहा है। तो पता नहीं अभी क्या कर सकती हूँ। और आपको मुझे बताइए कि आपको कैसा लग रहा है कैमरा, ऐसा सही लग रहा है क्या, ये आप भी बताइए कमेंट करके। सो अभी फ़िलहाल तो ऐसा चल रहा है, अभी देखती हूँ मैं क्या करना है, समझ नहीं आ रहा है। राज का कहना है बदलो, मेरे मन में डाउट से कि कैमरा फिर से पहले जैसा होगा कि नहीं होगा, और दूसरी बात कि अगर ऐसे ही रहने वाला है तो क्यों मैं चेंज करूँ, और तीसरी बात कि मुझे रखना नहीं वहाँ पे, तुरंत सामने के सामने करके दे ऐसे चाहिए। सो देखते हैं क्या होता है। और अभी मैं खाना बना रही हूँ, रिलायंस जाकर आई हम, रिलायंस में थोड़ा बहुत चटर पटर बहुत सामान लेना था वो लिया, परी के लिए 2-3 टी शर्ट और एक टॉप लिया, उसके एक्चुअली डेली यूज़ की टी शर्ट जो है ना वो इतने क्या बोलते ख़राब हो गए थे, तो पैंट्स तो थी लेकिन टी शर्ट नहीं हो रहे थे, तो मैंने सोचा 1-2 ले लूँ। और अभी आजकल उसको टॉप पहनने का बड़ा यह लगा है कि मुझे टॉप चाहिए, तो इसलिए एक टॉप भी लिया। और आली बड़ा आली और आके घर पे आते थे हम क्या भजिया और ये पैटिस लेकर आए थे, नाश्ता वगैरह कर लिया। अभी मैं खाना बना लेती हूँ, फिर उसके बाद आपसे बात करती हूँ। सो यहाँ पे आया है न्यू झूला, तो हमारे बालकनी में लगाने के लिए हमने लिया है न्यू झूला। तो ये देखिए परी का बर्थडे गिफ्ट है वैसे ये, तो ऐसा लेना था हमें जो परी भी बैठ पाए हम भी बैठ पाए, क्योंकि नीचे वाला अगर ऐसे रखने वाला लेते तो वो कहाँ पे रखते ना, इसलिए फिर ऐसा लिया कि जो हम अटका पाए। Hey guys, so, मेरे फ़ोन का कोई भरोसा नहीं है, वो अचानक से बंद हो रहा है, डिस्प्ले फूट गया इसलिए अचानक बंद होता है फिर अचानक चालू हो रहा है, ऐसा हो रहा है। सो ये ब्लॉग मैं कब तक कंटिन्यू कर पाऊँगी मुझे पता नहीं, क्योंकि अभी तक 3 बार वो बंद हुआ है अचानक से, फिर अचानक से चालू भी हो गया है। सो पता नहीं, तो इसका रिपेयरिंग करना पड़ेगा। पहले हमने सोचा था कि शायद काम चल जाएगा कुछ टाइम तक, लेकिन नहीं चलेगा, उसका डिस्प्ले करना ही पड़ेगा रिपेयरिंग। और वो भैया बोले कि मैं फ़ोन करके बताता हूँ, तो वो सामने के सामने तो नहीं करके देंगे बोले, वो बोले कि डिस्प्ले वगैरह कुछ नहीं जाएगा, डोंट वरी, मैं सॉरी अंदर का डेटा वगैरह कुछ भी नहीं जाएगा, पर ये कि 2-3 घंटे में होके फिर आने तक उतना तो टाइम आपको वेट करना ही पड़ेगा, कुछ ऑप्शन नहीं। सो अभी देखते कब जाता है कब आता है, तब तक फ़ोन चालू रहता है बंद रहता है कुछ भी पता नहीं, हो देते थे 2 मिनट। सो चलिए मैं अभी आपको शायद फ़ोन रिपेयर होने के बाद ही मिलती हूँ। अभी मुझे खाना बनाना है, तो मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई है और रोटियां बनानी है, तो अभी रोटी बना लेती हूँ और फिर शायद फ़ोन रिपेयर होने के बाद या अगर चालू रहा तो उसके बाद मिलती हूँ। सो गाइस, यहाँ पे मेरी रोटी और सब्ज़ी बन गई है, तो मैंने रोटी और भिंडी की सब्ज़ी बनाई है, तो अभी हम खाना खा लेंगे। और यहाँ पे आया है स्विंग जो कि आपने थोड़ी देर पहले देखा ही होगा, तो ये ना बड़े लोग भी बैठ सकते हैं, ऐसा वाला स्विंग मैंने लिया है, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं चाहिए था कि परी बस अभी यूज़ कर ले बाद में उसके कुछ काम ना आए, तो ऐसा चाहिए था कि जो
वो आगे तक यूज कर पाए और इसमें बड़े लोग भी बैठ सकते हैं। और जो हमारी बालकनी में ना उसके लिए एकदम अच्छा था ये, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं भी बैठी हूँ और काफ़ी अच्छे से मैं बैठ पा रही हूँ इसमें। तो यहाँ पे हमारी बालकनी में स्पेस बहुत अच्छी है जहाँ पे स्विंग अटका सकते हैं, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। मागो सर बर को हाथ पकून ठेव हो हाथ पकून ठेव। तुला आवडलं स्विंग? मस्त आहे। हे गाइस, सो अभी बज चुके हैं शाम के 4 और परिमा स्विंग में एंजॉय कर रही है और मैंने यहाँ पे दूध गर्म कर दिया है। सो हम दोनों के लिए दूध। और आजकल ना मैं चाय बहुत कम करती हूँ, मतलब शाम को तो बनाती ही नहीं हूँ अकेले के लिए, और रात जब घर है तभी बनाती हूँ। और उसमें भी अगर कभी सुबह राज भी बोलते कि मुझे चाय नहीं पीनी, मैं ब्लैक टी पीने वाला हूँ, तो तभी भी मैं चाय पीना कैंसिल कर देती हूँ। और फ़ोन अभी तक कुछ नहीं हुआ है, वो बोले कि जिनके पास रिपेयरिंग के जाने वाला है के लिए जाने वाला है वो फ़ोन नहीं उठा रहे। सो आज तो नहीं हो पाएगा, शायद कल परसों, पता नहीं कब होगा। मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉक एंड में यही कर दूँ। और हाँ, नया स्विंग आ गया है परी के लिए गैलरी में। तो एक्चुअली परी स्कूल में जाते थे ना, तो हमें कुछ ना कुछ तो कुछ ऐसे लेना था स्विंग या ऐसा कुछ, लेकिन फिर हमने सोचा कि ऐसा ले जो कि ऊपर टांग जाए। तो हमारा कब से मन था कि परी के लिए ऐसा स्विंग लेके दे, तो फिर हमने बहुत सारे देखे भी, लेकिन कुछ बहुत छोटे बच्चों के थे, फिर आगे जाके परी को यूज़ नहीं होगा, तो हमें ऐसा चाहिए था कि परी लॉन्ग टाइम तक यूज कर पाए। और वैसे भी बच्चों को स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है किसी भी चीज़ का, बाद में 4-8 दिन के बाद फिर भूल जाते, फिर ऐसा ना हो कि अरे अभी ले लिया, अभी 8 दिन तो मजे कर ली, बाद में फिर कि अभी कम खेल रही है। इसलिए हमें ऐसा चाहिए था कि जो रहे, कि कभी भी मन करे तो कोई भी बैठ सकता है, बड़े भी मतलब हम भी, या कभी परी भी बैठ सके ऐसा। तो फिर ये वाला मैं ढूंढ रही थी ऐसा कुछ, तो ये वाला मुझे अमेजोन पर मिला। सो ये हमने लिया है स्विंग परी के लिए या हमारे लिए, तो गैलरी में लगाने के लिए। तो वैसे मुझे ऊपर कड़ी करानी थी जो फैन के लिए लगती है ना वो वाली, लेकिन फिर बाद में देखा तो वो जो इसका रहता है ना ग्रिल का, ये था ना, इसमें अटक गया, तो फिर फिलहाल उसमें अटका है। तो फिर हमने देखा वो भी स्ट्रांग है, तो फिर सोच रहे कि वहाँ से ना निकाले, पर देखते बाद में शायद ये फैन वाली कड़ी जो उल्टी होती है ना वैसे करके अटकाएंगे, या फिर फिलहाल जैसा है वैसा ही रखेंगे। अच्छे से बैठ गया है, बस ये कि उसमें ना ऊपर हमने वो जो एस वाली कड़ियाँ रहती है ना वो भी उसके साथ आई थी, एस वाली कड़ियाँ और एक थोड़ी लंबी वाली कड़ी। तो मैं सोच रही हूँ कि वो जो साखली आती है ना हार्डवेयर की शॉप में, तो वो लेकर आओ, तो उसमें एकदम क्या बोलते ना पूरी तरह से सिक्योर रहेगा। अभी भी बहुत अच्छे से टाइट है, कुछ भी डर नहीं है, पर फिर भी एक मन की शांति लगेगी अगर वो लोखंड की कड़ी ला के लटकाई है ना, तो फिर ये रहेगा कि चलो अभी एकदम सुरक्षित है। इसीलिए तो हमने थोड़ा सा हाइट उसको नीचे किया है ताकि परी भी उसके ऊपर से उतर वगैरह पाए, और बैठ नहीं पाती, वो अभी तक चढ़ नहीं पाती है लेकिन उतर पाती है। तो बस अच्छा सा ऐसा मस्त गैलरी में झूला लगाया, क्योंकि हमारा बाहर का व्यू बहुत अच्छा है ना, तो फिर परी भी बैठ सकती है, हम भी सुबह की चाय वगैरह पी सकते हैं ऐसा वाला। सो चलिए इस ब्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ, और आई होप कि नेक्स्ट वाला ब्लॉग जो मैं बनाऊँ वो इससे अच्छे कैमरे से बनाऊँ, मतलब ये सब हट जाए, पर देखते हैं। सो आज का ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।